हेलो स्टूडेंट्स, तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू चैप्टर नंबर 6 ऑफ क्लास 10 बुक फर्स्ट फ्लाइट। क्लास 10 की आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट है, उसका लेसन नंबर 6 द ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, उसका पार्ट 1 बेकर फ्रॉम गोवा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लिम्प्स? ग्लिम्प्स का हिंदी में होता है झलक, यानी ये कोई भी चीज का आप ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बोल सकते हैं। तो जो हमारी जो इंडिया है, क्या है हमारी इंडिया जो कंट्री है, मल्टीकल्चरल कंट्री बोलते हैं इसको, यहाँ पे है ना, कि बोलते हैं इसको अनेकता में एकता वाली बात हो। अगर आप हमारे जो कंट्री है इंडिया में, अगर आप किसी दूसरे स्टेट में जाओगे, किसी दूसरे तरफ, तो वहाँ पे आपको डिफरेंट कल्चर्स मिलेंगे, डिफरेंट पीपल्स मिलेंगे। तो वही है कि है ना, तो उसका जो पार्ट 1 है वो बेटर फ्रॉम गोवा। यहाँ पर क्या है कि गोवा की क्या यूनिकनेस है, इसमें डिफाइन किया गया है कि जो गोवा है वो किस तरीके से दूसरे स्टेट से क्या है, डिफरेंट है, और वहाँ की क्या यूनिकनेस है, आपको चीज क्या डिफरेंट पाया गया। तो जो इसका फर्स्ट पार्ट है बेकर फ्रॉम गोवा है ना, विच इज रिटन बाय लूसियो रोड्रिग्स, चार्टर कॉलेज के लूसियो के रोड्रिग्स राइटर है। अब एक्चुअली में क्या है कि बेकर फ्रॉम, बेकर का मींस क्या होता है ना, कि पर्सन हु बेक्स ब्रेड, जो बेकरी वर्क, जो बेकरी वाले जो होते हैं ना, जिसको ब्रेड या बिस्किट जो बनाते हैं, उन्हें बेकर्स बोलते हैं। तो इस चैप्टर में एक्चुअली में गोवा की जो बेकरी है, जो बेकर्स हैं, वो किस तरीके के लिए फेमस हैं, उनकी क्या उनकी स्पेशलिटी है, क्या उनकी खासियत है, ये बताया गया है। तो जो राइटर है, क्या राइटर क्या है कि अपने पुराने दिनों को याद करते हैं, क्या करते हैं जो राइटर जब छोटे थे ये लूसियो, तो उनके जो पुराने जो ओल्ड एज है उनको याद करते हैं, बताते हैं कि उनके बचपन में किस तरीके से बेकर्स उनके घरों में, उनके गाँव में आया करते थे, और किस तरीके से जो ब्रेड से जो लोग थे उनको वो सेल किया करते थे। हम लोग पुराने याद करें, मान लो पाले जी बिस्किट है, पहले उसकी कीमत 2 रुपये भी थी, 4 रुपये भी थी, ऐसे लो 5 रुपये थी, और उसका जो रैपर था, जो पैकेट था, वो किसका था, कांच का होता था। अब आजकल क्या है, अब बहुत ही मॉडिफाई हो गया। तो ऐसे ही आपका पुरानी जो यादें हैं, मैं उनको याद करता कि जब वो चाइल्डहुड में था, तो जो बेकर्स थे वो किस तरीके से उनके गाँव में आया करते थे, और किस तरीके से जो ब्रेड थे जो लोग थे उनको सेल किया करते थे। तो एक्चुअली में होता क्या है कि जो चैप्टर है, पर बात करें हम गोवा, तो गोवा में क्या था, जो पोर्टुगीज जो थे, जो पोर्टुगीज क्या था कि पोर्टुगीज के अंडर कंट्रोल काफी टाइम तक गोवा रहा था, इसलिए हमारा जो कल्चर था हम मोस्टली पोर्टुगीज लोग थे, और वहाँ कल्चर क्या था, वहाँ का जो कल्चर था वो पोर्टुगीज लोगों से ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ। तो जो पोर्टुगीज लोग थे उनको क्या था कि उनको जो लोग से जो ब्रेड थे उनको बहुत अच्छे लगते थे, इसलिए यहाँ पर क्या था कि वहाँ के कल्चर में था, अगर जो कल्चर में था वो ब्रेड्स का जो प्रोफेशन था वो बहुत ज्यादा था, क्योंकि वहाँ मोस्टली लोग पोर्टुगीज थे, और पोर्टुगीज के चक्कर में वहाँ का जो कल्चर था वो पोर्टुगीज की तरह हो गया था। जो पोर्टुगीज जो लोग थे उनको ब्राइड्स और जो लोग थे उनको बहुत अच्छे लगते थे। तो इसमें जो राइटर है वो बताया पता था कि जब वो छोटा था तो किस तरीके से बेकर सुबह सुबह उनके घर पे आया करते थे, है ना, और कह रहा कि वो 2 दिन क्या बोलता है कि बोलता है कि जब घर पे आते थे तो क्या होता था, हम उनकी आवाज़ से जागते थे, जैसे सुबह होती थी तो जो बेकर्स थे, जब वो ब्रेड्स को जो लोग थे, जब उनको सेल करने घर घर आते थे गांव के अंदर, तो क्या था, तो हम जागते थे। अब जाग कैसे थे, यानी उनकी जो जिंगलिंग जो थर्ड द साउंड, यानी जो उनकी जो डंडा था ना सर के अंदर, उसको पता था जो कुछ रिंग बना हो, कोई बेल बनी हो, तो जो डंडा था जब वो एक हाथ से अपने टोकर को संभालते थे, है ना, और क्या था कि और एक हाथ से ऐसे चलते थे, तो जैसे ही उनका जो बैम्बू डंडा वाला था बैम्बू, जैसे वो जमीन पर वो रखते तो उसमें जो बैल होती थी शायद वो साउंड करती थी, तो वही कह रहा है ना कि जैसे ही वो गली में आते थे हम उनका जो थम्बिंग, जो उसका थम्बिंग साउंड था उनके बैम्बू का, उनके डंडे का कट्टर वाली आवाज इस तरीके से, तो क्या था कि इसको सुनते ही हम क्या होते, हम जाग जाया करते थे। तो हमारी जो आँख होती थी, हमारी जो सुबह होती थी, वो हमेशा क्या था, वो जिंगलिंग साउंड से, जैसे वो आपके जो ब्रेड जो बेकर थे, जो सेलर थे, जैसे वो आया करते थे, उनकी जो साउंड था उनके बैम्बू का, वो साउंड से हमारी जो आँखें थी, हमारी जो सुबह थी वो हुआ करती थी। फिर आगे बोलता है कि हम जो बच्चे थे, कह रहे कि हम बच्चों को ब्रेड बड़े अच्छे होते थे, क्योंकि उनकी खास बात क्या थी, क्योंकि ये मीठे होते थे। राइटर बोलता है कि हम जो बच्चे थे, कह रहा है कि जैसे ही वो आते थे तो क्या होता कि हम उनको देखकर टूट पड़ते थे, और जैसे ही घर पर ब्रेड आए तो क्या होता कि हम उन पर टूट पड़ते थे, और हमको जो ब्रेड थे वो इतने स्वीट होते थे मीठे। तो साथ में क्या था कि उनका जो एंजॉय था, है ना, उनका जो टेस्ट था, हम उससे हॉटी के साथ में उसको लिया करते थे। अब बोलता है कि पहले कि वी डिड नॉट ब्रश आवर टीथ, हम अपने दांतों को भी ब्रश नहीं करते, क्योंकि हमारे पास इतना सब्र, इतना हमारे अंदर पेशेंस नहीं था। तो बच्चे सिंपली होते हैं ना, घर में कोई चीज़ नहीं, खाने वाले में डिश है तो क्या होता है, वो सारे काम भूल जाते हैं।
कोई भी काम में इम्पोर्टेंट है, उनके लिए इम्पोर्टेंट वो नहीं है, क्या है, खाना होता है। तो वो राइटर बोलता है जब हम बच्चे थे तो जैसे ही वो सुबह होती थी उनकी आने की आवाज़ से हमारी आँख खुलती थी और हमें पता कि हमारे घर में जो ब्रेड्स है वो आ गए। और अच्छे में कह रहा था जब हम जो बच्चे थे ना, हम बच्चों को जो बैंगल्स की तरह जो ब्रेड थे, बैंगल मतलब चूड़ी के तरह टाइप के जो ब्रेड थे जो है ना, जो स्पेशली बच्चों के लिए बनते थे। तो बेटा जो होते थे क्या था, स्पेशली जो बैंगल्स ब्रेड थे दे आर मेड फॉर द चिल्ड्रन। इसके लिए राइटर बोलता है कि जो हम बच्चे थे, हम बच्चों के लिए स्पेशली जो ब्रेड थे वो बैंगल्स टाइप के थे, राउंड टाइप होते थे, और कह रहा कि वो हमें बहुत अच्छे लगते थे। और जब जब उनको हम हॉट टी से खाया करते थे तो उनका टेस्ट और बढ़ता था। और कह रहा कि खाने से पहले हम जैसे हम उठते थे तो हम जैसे घर में वो बैंगल्स ब्रेड आते थे क्या पता हम उन पर टूट पड़ते। और बोलता कि जो ब्रेड हुआ करते थे वो बड़े लोगों के लिए थे, या घर में जो लोकर थे उनके लिए लोग हुआ करते थे, है ना। लेकिन हमारे लिए क्या था, हमारे लिए था वो बैंगल्स ब्रेड जो थे वो हमारे लिए हमारे फेवरेट थे। और हम उनको खाने से पहले ना तो हम ब्रश करते थे ना ही कुछ करते ना, और हम सोचते थे कि भाई क्या ब्रश ब्रश करना है ना, जब गर्म गर्म चाय से दांत धुलेंगे तो उससे अच्छा ब्रश क्या होगा। तो वो उनकी इमेजिनेशन थी, उनकी हम अपनी सोच बोलते थे। तो यहाँ पर जो वर्ड्स हमने यूज किया गया है ना, कि जो वर्ड का यूज किया गया है कि हॉट टी, हालांकि जब हॉट जब टी पिएंगे हम और जब लोग उसको खाएंगे ब्रेड्स को, बैंगल ब्रेड्स को, तो हमारे दांत क्या हो जाएंगे, अपने आप उसके जो जो भी ब्रश हो जाएगा। तो उन्होंने इस चैप्टर पर इंटरेस्ट बनाने के लिए इन सारे वर्ड्स को यूज किया गया है ना। तो वही कह रहा है कि हम जो ब्रश वगैरह करना उसको भूलते थे और हम उसको खाया करते थे। अब ये आगे बोलता है कि जो बेकर्स को कहते थे कि वो दिन में दो बार हमारे गाँव से जाते थे। क्या बोलता है ट्रांसलेटर, बोलता है लूसियो कि जो जो बेकर्स थे, जो पैटर थे, क्या थे है ना, कि दे विजिट आफ्टर दे विजिट आर ब्लेस ट्वाइस इन द डे, यानी कि वो दिन में एक दिन में दो बार हमारे गांव से उनके पास या गुजरते थे। पहली बार जब फर्स्ट टाइम मॉर्निंग में जब वो ब्रेड को सेल करते थे तब आते थे। दूसरी बात क्या था कि जब उनका सारा माल जब वो आगे गांव से जाते थे तो सारा माल बेचकर जब वो वापस आते थे तो हमारे गांव में होकर जाते थे, तो तब भी उनकी थम्मी का माल से उनको सुनाई देती। तो डॉक्टर क्या बोलता कि जो राइट जो जो बेकर्स थे वो दो है ना कि हमारे गाँव में दो बार होकर जाते थे, सुबह बेच से हुए, दूसरी टाइम जब बेच जो भी सारा उनका सामान था सारा जो ब्रेड थे जब उन सारे सेल हो गए तो रिटर्निंग में वो हमारे गांव से होकर ही जाया करते थे। फिर आगे से मैंने बताया बड़े कह रहा है कि उस टाइम पे ब्रेड का क्या इंपॉर्टेंस था, कह रहा है कि कोई भी मैरिज पार्टी होती थी कोई है ना, या कोई भी ओकेजन था, कह रहा है कि सारे ओकेजन में क्या था ना कि विदाउट ब्रेड दे आर फेसलेस। मीन्स कह रहा है कि उस समय पर जितनी भी पार्टी हुआ करती थी, चाहे वो पार्टी है चाहे बर्थडे पार्टी है मैरिज पार्टी, कह रहा है कि उन सब में जो अगर ब्रेड नहीं होते थे तो बोलता कह रहा है कि विदाउट ब्रेड के सारी की सारी जो पार्टी सारे सारे ओकेजन क्या होते थे वो उनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं था। तो कह रहा है अब क्यों, कह रहा है कि उस समय पर क्या था कि उस समय पर ब्रेड्स की बहुत सारी वेराइटीज थी, तो अगर किसी भी बर्थडे पार्टी में अगर हम जाते थे क्या होता था तो हमें स्पेशल टाइप के जो ब्रेड्स थे जो लोग थे वो मिल जाते थे। और हर एक कह रहा है हर एक पार्टी में हर एक ओकेजन में जब कोई फेस्टिवल कह रहा है सबके समय क्या था ब्रेड्स की मौजूदगी क्या कहते थे उसमें और चार चार लगाती थी। आगे बताया कह रहा है कि और बाकी क्या होता था बनता था, चाहे वो ईद हो चाहे वो होली हो दिवाली हो क्रिसमस हो या आपका और भी फेस्टिवल से करें उन समय के टाइम पर स्पेशल आपकी ब्रेड थी जो बनती थी करें। और इस ब्रेड से बनने से क्या था कुछ फेस्टिवल होते थे उनको उनकी जो वैल्यू थी है ना उनका जो केस था उनकी क्या बोलते हैं उनकी जो रौनक थी वो और बढ़ जाया करते थे। पर आगे मैं बोलता है कि जो बेकर हुआ करते थे वो खास तरह की ड्रेस पहनते थे। द बेकर वोर अ स्पेशल टाइप ऑफ ड्रेस ना व्हिच इज कॉल्ड कवाई, यानी जो बेकर्स थे जो ब्रेड्स को जो बेचते थे बनाते थे कला की वो खास तरह की ड्रेस पहनते थे उसको हम कवाई बोलते थे। अब वो चीज कैसी थी, जो कवाई थी वो पता नहीं एक नी लेंथ फ्रॉक होती थी, कैसी मतलब आपके घुटनों तक की क्या थी फ्रॉक। अगर आप सपोज कीजिए ना अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट किसी होटल में खाना खाने गए होंगे तो वहां पर भी जो कुक होता है वो क्या होता है खास तरह की ड्रेस पहनता है होटल तक। तो वो कह रहे थे जो बेकर हुआ करते थे वो टाइम पर क्या था कि वो बेकर वो टाइम पर खास तरह की ड्रेस पहनते थे जो कि इसकी लेंथ क्या थी एक वो एक नी लेंथ घुटने तक की लंबाई तक की फ्रॉक हुआ करती थी जो पहनते थे जो बड़ी अच्छी लगती थी। तो इसमें यही बताया गया। फिर आगे इसमें बताया गया कह रहा कि जो प्रोफेशन था वेटिंग वाला कह रहा कि ये बड़ा प्रॉफिटेबल था, कह
at our age and at time when I was a child कह रहा है कि promotion of bakery वो है ना was a most profitable कि काफी अच्छा profession था, काफी अच्छी इसमें आपकी income थी और जो bakers थे क्या थे कि bakers इसको मतलब और से मतलब benefits आदि profit का इसको gain करते हैं। आगे बोला गया है कि इस तरह के जो bread जो जो bread bakers थे उस तरह का सुबह पूरे उनके पूरे month जो भी इनके जो customer थे उनके ग्राहक कह रहा है उनको सुबह से है ना सुबह सुबह उनके घर का जो ब्रेड से उनको पहुंचा थे वो कह रहा है उसका जो पेमेंट था वो एट द मंथ था ना एट है ना क्या होता कि एट द एंड ऑफ द मंथ कि जो महीने का लास्ट था लास्ट के मंथ में क्या था कि जो भी किसके यहाँ पर कितने ब्रेड कितने आपके जो बंडल ब्रेड पहुंचे वो कह रहा है सबका जो हिसाब किताब था वो मंथ के लास्ट में हुआ करता था। तो इसमें यही बताया गया है चैप्टर में यही है आपका हालांकि जो गोवा है गोवा में अगर आज भी जाओगे तो क्या होगा आज भी आपको डिफरेंट टाइप के ब्रेड्स मिल जाएंगे और इस तरह के बहुत सारे रेस्टोरेंट बहुत सारे होटल्स में जब जाओगे तो क्या होगा वहाँ पे आपको ब्रेड्स के जिस पर जो आपकी जो वैरायटी है वो मिल जाएगी। वैसे आजकल तो खैर आपका कहीं भी जाओ किसी भी आप कंट्री के किसी भी देश कोने में जाओ वहाँ पे आपको मतलब फ्रिज मिल जाएगी लेकिन जो जहाँ उस देश का ओरिजिन हुआ है तो वहाँ क्या होता है वहाँ कुछ आपको उसमें स्पेशली मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं कि ब्रेड आपको और खाने को नहीं मिलेंगे बट गोवा का क्या है उसका स्पेशल है क्योंकि भाई वो उसका ओरिजिन पॉइंट है तो पोर्चुगीज की जगह है जो पोर्चुगीज को कहता पोर्चुगीज को जो ब्रेड थे वो उनको बहुत अच्छे लगते थे इसलिए वहाँ के लोगों ने इस प्रोफेशन को चुना। और आज भी कह रहा है कि आज भी वहाँ के लोग चाहे बेशक उनके जो एंसेस्टर हैं उनके फादर्स हैं ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो नहीं है लेकिन उनकी जो जनरेशन है जो पीढ़ी है क्रैक को आज भी इस प्रोफेशन को कैरी कर रहा है बिकॉज दे आर अर्निंग दे आर है ना अलॉट अलॉट ऑफ प्रॉफिट क्योंकि वो आज भी क्या है कि वो आज भी बहुत सारा प्रॉफिट को गेन कर रहे हैं। इसलिए कि चाहे जिन्होंने प्रोफेशन को स्टार्ट किया उनकी जनरेशन पास हो गई बट उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है जो करंट जनरेशन है क्या है वो भी आज प्रोफेशन को आगे बढ़ा रहा है इसको रन कर रहा है बिकॉज दे आर अर्निंग अलॉट ऑफ मनी वो उनसे बहुत सारा उनको पैसा मिल रहा है गेन हो रहा है। तो इसका यही स्टूडेंट्स की यही स्टोरी थी आई होप समझ में आ गया। तो कुछ इंपोर्टेंट वर्ड है तो आपका कवाई है जो एक खास तरह की ड्रेस होती है जो इसकी आपकी नील है और इसको क्या होता है बेकर्स पहनते हैं और एक बोले ये क्या है कि ये भी एक टाइप ऑफ ब्रेड है ना विच इज प्रिपेयर्ड एट ओकेजन ऑफ द क्रिसमस और ऑल फेस्टिवल अदर फेस्टिवल और जिंगलिंग साउंड जिंगलिंग थर्ड है ना और बैम्बू जब वो लेके आते हैं एक हाथ से टोकरी और चलते हैं उसको रखकर तो साउंड जो होता है उसमें कोई भी लिंक बनाओ साउंड का तो उसको जिगलिंग तर बोलते हैं। तो इसमें यही स्टोरी थी समझ में आ गया होगा। चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय। और हाँ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें जो भी आपके फ्रेंड्स हैं मित्र उनको शेयर कर दें। चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में उसके सेकंड पार्ट में तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय।